नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको वैशाख मास की पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के बाद जय माता दी जरूर लिखिएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन स्नान और दान के साथ पूजा पाठ का बहुत ही महत्व होता है। पूर्णिमा की तिथि को माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। इस दिन धन वृद्धि के उपाय बहुत ही फलित होते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा साल की कुछ उन विशेष पूर्णिमा तिथियों में से है जिन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन वर्षा करती हैं। धन वृद्धि के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दिन भक्तों को माँ लक्ष्मी की कृपा का लाभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय करने से आपकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होती है। तो आपको कुछ सरल उपाय मैं बताती हूँ जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ सरल उपाय हैं जिनसे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होकर आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो पूरे होंगे और आप हमेशा धनवान और सुख समृद्धि से बने हुए रहेंगे। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। इस पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो सफ़ेद कौड़ियों में भी हल्दी लगाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छ होने के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनावें। इसे रात में सोने से पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद स्वयं इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार की बाकी बचे हुए सदस्यों को भी प्रसाद अवश्य देवें। अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाय को जरूर आजमाएं। अपनी दुकान या फिर जहाँ पर आप बिजनेस स्थापित है वहाँ के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि विधान के साथ स्थापित करें। उसके बाद वहाँ लाल आसन पर बैठकर कनक थारा स्त्रोत का पाठ करें। पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपनी दुकान में धन के साथ रख देवें। ऐसा करने से आपका काम धंधा फिर से पटरी पर आ जाएगा और संपन्नता बढ़ेगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर यह जल छिड़काएं। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करें। इससे धन संपदा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए वास करने लगती हैं। वैशाख पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु के नौवें अवतार गौतम बुद्ध का प्रकट हुआ था। उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ावें।
वैशाख पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का भी दान जरूर करें। इस दिन आप घड़ी का दान कर सकते हैं। याद रखें कि घड़ा कभी खाली दान नहीं करना चाहिए। इसमें शरबत बनाकर भरें फिर दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्रों, चप्पल और छतरी का भी दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। तो इस तरह से मैंने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सबके को कुछ उपाय बताए हैं। तो आई होप आप सबको ये जानकारी पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जय माता दी जरूर लिखिए।